सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पीडीसी न्यूज़ ते मैं हाँ तुहाडे नाल कावी बब्बर ते बुलेटिन की शुरुआत करांगे। अहम खबर दे नाल सिद्धू मूसेवाला दे नज़दीकी रमनदीप भंगचुड़ी की पुलिस दे वल्लों सुरक्षा वधा दित्ती गई है। अहम खबर आ रही है इस वक्त की कि सिद्धू मूसेवाला दे करीबी रहे रमनदीप भंगचुड़ी की पुलिस दे वल्लों सुरक्षा वधा दित्ती गई है, क्योंकि रमनदीप की रिहायश की रेकी करन दा शक पुलिस दे वल्लों जाहर किया गया है। जी हाँ, रमनदीप भंगचुड़ी दी पुलिस दे वल्लों जो गल आखी जा रही है, पुलिस का कहना है कि रमनदीप भंगचुड़ी दी रिहायश दे नेड़े रेकी की गई है। इसका शक पुलिस दे वल्लों जाहिर किया गया, जिस तो बाद रमनदीप भंगचुड़ी दी पुलिस दे वल्लों सुरक्षा वधा दित्ती गई है। पुलिस ने रमनदीप दे घर दे नेड़े सुरक्षा वधा दित्ती है, बकायदा पुलिस मुलाजम तैनात कर दिए गए हैं। श्री मुक्तसर साहब दे विच कोटकपुरा रोड उत्ते रमनदीप भंगचुड़ी की रिहायश है, जिस दौरान जिसके बाहर पुलिस मुलाजम बकायदा तैनात कर दिए गए हैं। मुँह से कपड़ा बनी रेकी कर रहे नौजवान दी तस्वीर तुहाडे तक पहुँचा रहे हैं। ये तस्वीर तुसीं देख सकते हो कि किवें श्री मुक्तसर साहब दे विच कोटकपुरा रोड उत्ते रमनदीप भंगचुड़ी का घर है, रिहायश है। उत्ते तो एक नौजवान जिसने मुँह बनिया होया है, तो वह शक इस विचार जाहिर किया जा रहा है कि इस दौरान पुलिस मुलाजमान के वालों रेकी की गई है, जिस तो बाद पुलिस के वालों मुस्तैदी विखाद्या हो रमनदीप भंगचुड़ी के घर के नेड़े सुरक्षा वधा दी गई है। सिद्धू मूसेवाला का बेहद करीबी मनिया जा रहा रमनदीप भंगचुड़ी, जिस तो बाद पुलिस के वालों एक्शन लेंद्या होया फौरी कार्रवाई कर दी है। एक बार फिर तो तुहाडे तक तस्वीर जरूर पहुँचा दिए, मुक्तसर साहब दी तस्वीर ने, कोटकपुरा रोड दी तस्वीर ने, जिथे बकायदा रमनदीप भंगचुड़ी का घर है, उसकी उत्थे रिहायश है। तो उत्थे देखा गया एक एक नौजवान जिसने मुँह बनिया होया काले रंग के कपड़े के नाल पूरी तरह के नाल, जिस दी अखां तक भी नज़र नहीं आ रही, रेकी करता हुआ नजर आ रहा है। एक बार दो बार काफी बार उसके वालों चक्कर लगाए गए, जिस तो बाद परिवारक मैंबर के वालों पुलिस मुलाजमान तक जानकारी सांझी की गई। पुलिस के वालों शक जाहिर किया जा रहा है कि रेकी की गई है रमनदीप भंगचुड़ी दी, जिस तो बाद हुण सुरक्षा वधा दी गई है। पुलिस मुलाजम बकायदा तैनात कर दिए गए ने घर के नेड़े, देख सकते हो तुसीं पुलिस मुलाजम इत्थे तैनात ने, क्योंकि जो सीसीटीवी सामने आई है उस दे विच शक जाहिर किया जा रहा है पुलिस मुलाजमान दे वल्लों। किवें प्रतीत हुंदा है कि जिवें रमनदीप भंगचुड़ी की कोई रेकी कर रहा है, बेहद ज्यादा शक जाहिर किया जा रहा है पुलिस मुलाजमान के वालों। तो फिल हुण फौरन कार्रवाई करते हुए पुलिस मुलाजमान के वालों सुरक्षा वधा दी गई है रमनदीप भंगचुड़ी की। तुम दस दिए कि सिद्धू मूसेवाला 29 मई को कतल कर दिया जाता है, उस तो पहला उसकी भी रेकी की गई सी, ते हुण पुलिस नू डर है, शक है, तो इन्ना शक के आधार उत्ते ही, क्योंकि जो सीसीटीवी सामने आई है उस दे विच जो असी तुहानू दिखाई कुछ चिर पहला वेख्या जा सकता है, वेख्या जा रहा है कि किवें एक नौजवान आता है, एक बार दो बार नहीं काफ़ी बार चक्कर लाता हुआ प्रतीत नज़र आता है, पूरी तरह के नाल उसका मूल लपेटिया होया सी। ते जिवें ही इसकी सूह पूरे पुलिस मुलाजमान नू मिली, तो पुलिस मुलाजम इसका रमनदीप सिंह जी भंगचुड़ी के रहने वाले ने, इतने 13 नंबर गली च मुक्तसर साहब रेंदे ने कोटपुरा रोड से, इन्हों थ्रेटन्स कॉल्स सीगियां, जिस करके असी इन्हों सिक्योरिटी दी हुई है। अज कोई शक्की बंदा सुबह कोई 8:41 से इन्हों के घर अगर रैकी करन आया, जिसका मुँह बनया हुआ सी, कोई 25 साल का लड़का है। तो जो इन्हों ने सानू टैलीफोन पर दसाया भी इस तरह करके कोई रैकी करके जा रहा, तो असी वो देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज असी चैक कर रहे हैं, तो वह असी पता लगा लवा। इन्हों काफ़ी देर तो थ्रेट कॉल्स ने, इन्हों सिक्योरिटी जी 5 बंदे इस टाइम जो असी सिक्योरिटी के दिते हुए हैं, तो इस करके इन्हों की असी जी सिक्योरिटी साड़ी पहल है, इस करके असी जी सीसीटीवी चैक करके असी कार्रवाई कर रहे हैं। सो बकायदा पुलिस मुलाजम इससे जानकारी दे रहे सन। एक बार फिर तौर तक ये तस्वीर जरूर पहुंचा दिए, मुक्तसर साहब तो तस्वीर ने, जिथे कोटकपुरा रोड उत्ते रमनदीप भंगचुड़ी की रिहायश है, तो इतने सवेरे तस्वीर जो सामने आई हैं कि एक नौजवान जिसने काले रंग के कपड़े के नाल अपना मुँह बनिया हुआ सी, काफ़ी बार रमनदीप भंगचुड़ी के घर के नेड़े गुजरता है, तो शक जिसके बाद पुलिस के वालों जाहिर किया गया कि रेकी करन की कोशिश की जा रही थी, रेकी की जा रही थी, इस बाद पुलिस ने सुरक्षा वधा दी है। इसे खबर से साडे नाल बने हुए ने कुलदीप रीणी, उन्होंने रुख कर लैंदे आ। कुलदीप, जानना चाहवांगे मुढ़ली कार्रवाई दे विच की कुछ सामने आया है, कि सवेर की घटना दसी जा रही है, तस्वीर जो बयान कीतियां गईयां, ते हुण तक इस व्यक्ति की कोई पछाण हो पाई होवे?
ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਉਸ ਜੋ ਸਟਰੀਟ ਹੈ ਉਹ ਗਲੀ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਰੋਡ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਮਨਦੀਪ ਭੰਗਚੜੀ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਰਮਨ ਭੰਗਚੜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਮਨੀ ਭੰਗਚੜੀ। ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰੈਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਖੰਗਾਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਚੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ ਉਸ ਰਹਿਸ਼ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਰਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਰੈਕੀ ਕਰਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਡੰਪ ਵਗੈਰਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਪੁਲਿਸ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੁਲਦੀਪ ਇਸ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਵਿਦੋਏ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਰਮਨਦੀਪ ਭੰਗਚੜੀ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਕਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਕਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਮਨਦੀਪ ਭੰਗਚੜੀ ਦੀ।